केमिस्ट्री के लिए कि क्लोजिंग रैंक क्या था एंड क्लोजिंग मार्क्स क्या था 2021 में ताकि तुम्हें पता चले इस साल भी कहाँ तक जा सकता है उसके अकॉर्डिंगली तुम प्रिपरेशन करो तो ऐसे नहीं कि ये मार्क्स हो गया तो फिर बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है क्लोजिंग रैंक सबसे नीचे वाला जो इंस्टीट्यूट है उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूट मिल जाएगा कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए ताकि तुम्हें टॉप आई मिल जाए या फिर टॉप एनआईटीज मिल जाए ठीक है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना तो मैं मैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट थिंग डिस्कस कर रहा हूँ कि क्लोजिंग रैंक जो है यहाँ पर लोअर जो इंस्टीट्यूट है एन आई श्रीनगर या फिर एन आई तो इसके जो क्लोजिंग रैंक है वही पूरा काउंसिलिंग का क्लोजिंग रैंक के साथ मैच कर रहा है क्योंकि ये दो इंस्टीट्यूट लोअर सबसे लोअर पोजिशन पर रहता है ठीक है लोअर पोजीशन पर क्यों रहता है क्योंकि ये अभी न्यू इंस्टीट्यूट्स है इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है फैकल्टीज कम है रिसर्च एंड एकेडमिक फैसिलिटीज भी कम है आने वाले टाइम पे ये मतलब जब फैसिलिटीज़ वगैरह ठीक हो जाएगा तब इसका रैंकिंग भी इंप्रूव हो जाएगा ठीक है ये न्यू है इसलिए अभी नीचे है बाद में ठीक हो जाएगा तो जो इंपॉर्टेंट थिंग है एनआईटी श्रीनगर का जो कट ऑफ मतलब क्लोजिंग रैंक जो तीन तीन राउंड काउंसलिंग होता है फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड तो तीन राउंड काउंसलिंग में लास्ट राउंड दैट इज थर्ड राउंड काउंसलिंग में जो क्लोजिंग रैंक मैं उसका बात कर रहा हूँ कि लास्ट तक कितना रैंक तक गया था एंड कितना मार्क्स तक कट ऑफ गया था सो फॉर जनरल कैटेगरी इसका रैंक गया था फॉर एनआईटी श्रीनगर सिक्सटीन मतलब अराउंड सेवेंटीन हंड्रेड के आसपास ठीक है एंड कट ऑफ था कट ऑफ मार्क्स था ट्वेंटी सेवन तो मान सकते हो कि कट ऑफ जो मतलब क्लोजिंग मार्क्स कुछ इंस्टीट्यूट मिलने के लिए ट्वेंटी सेवन वहाँ पर जैम का जो क्वालिफिकेशन मार्क्स था अराउंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू के आसपास रहता है तो उससे जस्ट फाइव मार्क्स ज़्यादा तो जैम अगर क्वालिफाई कर लिया एंड उससे थोड़ा ज़्यादा मार्क्स मिल गया तो तुम्हें कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूट एटलीस्ट मिल रहा है टॉप एन हो या फिर मतलब सॉरी लोअर एन हो या फिर कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूट हो लेकिन ये जो इंस्टीट्यूट है इसमें एडमिशन लोगे तो तुम्हें बहुत दिक्कत आ, आ सकता है इन फ्यूचर क्योंकि ये अभी न्यू इंस्टीट्यूट्स है इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक नहीं है तो बहुत एफर्ट तुम्हें खुद से देना पड़ेगा अगर तुम स्टाब्लिश्ड वेल इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लोगे तो तुम्हारा फैसिलिटीज़ भी उतना ज़्यादा मिलेगा रिकमेंडेशन प्रोफेसर उतना अच्छा मिलेगा एकेडमिक रिसर्च फैसिलिटीज़ भी अच्छा मिलेगा ठीक है तो कोशिश करना अच्छे से अच्छा, अच्छा, अच्छा इंस्टीट्यूट मिलने के लिए एंड ओल्ड इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का कोशिश करना ठीक है ई डब्ल्यू एस के लिए जो कट ऑफ गया था नाइनटीन हंड्रेड एंड थर्टी वन नाइनटीन हंड्रेड एंड थर्टी वन था क्लोजिंग रैंक फॉर ई डब्ल्यू एस कैटेगरी एंड का जो क्लोजिंग मार्क्स था ट्वेंटी फाइव पॉइंट थ्री थ्री ठीक है एंड ओबीसी के लिए ये जो था ट्वेंटी सॉरी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड सिक्सटी थ्री ये जो ये था क्लोजिंग रैंक टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड सिक्सटी थ्री एंड क्लोजिंग मार्क्स था ट्वेंटी टू पॉइंट थ्री थ्री उसके साथ एससी के लिए था सिक्स थाउजेंड ट्वेंटी सेवन लेकिन ये एनआईटी श्रीनगर में नहीं था ये था एन आई टी मणिपुर में एन आई टी श्रीनगर एंड मणिपुर लोअर पोजिशन पर रहता है कभी ये नीचे होता है कभी वो ऊपर होता है तो मैं देखा कि एन आई टी श्रीनगर का जो एस सी एस सी कैटेगरी का जो आ, मतलब क्लोजिंग रैंक था वो था अराउंड फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड के आसपास लेकिन एन आई टी मणिपुर में इसका जो क्लोजिंग रैंक और भी नीचे था सिक्स थाउजेंड ट्वेंटी सेवन एंड जो कट ऑफ मार्क्स था अराउंड ट्वेल्व ठीक है एंड एस टी के लिए एस टी के लिए जो था एस टी के लिए जो अराउंड जो क्लोजिंग रैंक था अराउंड सेवन थाउजेंड एंड मार्क्स था अराउंड इलेवन ठीक है तो ये मान सकते हो कि अगर तुम कट ऑफ मार्क्स से थोड़ा ज़्यादा अगर मार्क्स मिल गया कैटेगरी वाइज ठीक है तो तुम्हें एटलीस्ट कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूट मिल जाएगा लेकिन तुम ये कोशिश करना कि जो रैंक अंडर वन थाउजेंड या फिर अंडर फाइव हंड्रेड या फिर सबसे अच्छा होगा अंडर थ्री हंड्रेड और फोर हंड्रेड के अंदर होगा तो तो एटलीस्ट टॉप इंस्टीट्यूट मिल जाएगा टॉप एन आई टीज़ टॉप आई आई टीज़ ये सारे थिंग्स मिल सकता है तो कोशिश करना जितना चाहे अच्छा रैंक लाने के एंड और यहां पर मैं जो जस्ट डिस्कस किया कि एटलीस्ट कुछ इंस्टीट्यूट मिलने के लिए कितना रैंक और मार्क्स होना चाहिए ठीक है सो इस पर्टिकुलर टाइम पे शॉर्ट नोट्स रिविजन क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड उसके साथ साथ जितना चाहे जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो तुम भूल रहे हो या फिर तुम्हें रहा है कि इंपॉर्टेंट है ये सारे थिंग्स रिविजन करना है सो दैट्स ऑल सो फ्रेंड के साथ भी वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी पता चले कि ये अराउंड इतना मार्क्स हो जाए तो ये एटलीस्ट कुछ इंस्टीट्यूट मिले लेकिन कोशिश करना कि अंडर 500 रैंक लाने के लिए तो बहुत सारा फैसिलिटीज uh, मिलेगा जैसे आईजर में अप्लाई कर सकते हो जेन सी में अप्लाई कर सकते हो टॉप एन टॉप आई ये सारे ऑप्शन आ सकता है सो थैंक यू फॉर वाचिंग प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ फ्रेंड दैट कैन हेल्प योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड गिव सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स ऑल्सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो